YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। देश में अमन और शांति को लेकर उत्तर प्रदेश के पिपावरी जिले के वदायू गांव के राहुल शर्मा का देश के शांति के प्रति एक अनूठा आस्था है। यह देश में शांति हेतु धार्मिक स्थलों का पद यात्रा कर रहे हैं। इसी दौरान पद यात्रा करते हुए शनिवार को वो लातेहार जिले को पार कर रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश से 12 मई से पद यात्रा का शुभारंभ किया और अब तक उन्होंने देश का अमरनाथ वैष्णो देवी मंदिर का पद यात्रा कर लिया है और आगे जगन्नाथपुरी और हाजी अली जाने की तमन्ना है। बातचीत के क्रम में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला के रहने वाले श्री शर्मा ने बताया कि वे अनाथ हैं। बचपन में उनके माता पिता का साया उन पर से उठ चुका था। इनके परिवार में एक छोटा भाई है जो मानसिक रूप से विकलांग है और वे काफी परेशानी का सामना कर रहे थे और अपने दिल में एक तमन्ना हुई कि देश में समाज के लिए पदयात्रा करने का विचार हुआ। अपने दिल में एक तमन्ना पाल रखा है कि देश और समाज के लिए कुछ समय दिया जाए और इस विचार से वे हाथों में तिरंगा उठाकर पदयात्रा पर निकल पड़े। उनका मानना है कि सरकार को आरक्षण सिर्फ देश के लिए जान देने वाले सैनिक के शहीदों के परिजनों को और अनाथ व्यक्ति को ही मिलनी चाहिए। इस यात्रा में उन्हें काफी परेशानी हुई और उन्हें पूरा विश्वास है कि आगे उनका यात्रा सफल होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इस यात्रा से उन्हें काफी प्रेरणा मिल रही है और लोगों का विश्वास और लोगों का प्यार भी उन्हें मिल रहा है। अमरनाथ माता वैष्णो देवी स्वर्ण मंदिर अमृतसर बाघा बॉर्डर होते हुए अब इधर जगन्नाथपुरी, वहाँ से द्वारका गुजरात होते हुए बम्बई हाजी अली, लास्ट यात्रा समाप्ति हुई तिरुपति बालाजी। बस ऐसे ही, माता पिता कोई है नहीं, फैमिली में एक भाई है, वो माइंड सबसेट है, गांव के एक शिव मंदिर पर रहते हैं। मन में आ गया, वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर ही सकते। हमारे सामने वाले डिस्ट्रिक्ट बैतूल मध्य प्रदेश काले शर्मा, वो भी अपना बस उन्हीं से मिलकर थोड़ा लगा हमें। वो भी अपने यहाँ से, वो बैतूल MP से 9 साल कंटिन्यू अमरनाथ पैदल जा चुके हैं, तो एक दो बार उनसे हमारी मुलाकात हुई पदयात्रा में, तो उनसे मिलकर लगा, उनके विचार मतलब समझे जाने, तो भाई जरूरी नहीं है कि वर्दी में रह के देश के लिए कुछ किया जाए। इस तरीके से कम ऊपर वाले से दुआ तो कर सकते हैं जो बॉर्डर पर हमारे जवान खड़े हैं उनके लिए। चले थे, गांव वालों ने सहयोग किया था, विदा की थी, बाकी रास्ते में पब्लिक कोई कर देता है तो ठीक है, नहीं करता तो ठीक, मांगने का किसी से कोई। वैसे तो हर आदमी को अपने बारे में सोचने का पूरा अधिकार है, हर आदमी सोच सकता है, सोचता है, लेकिन इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि अपने सिवा कुछ दिखा ही ना दे। अगर हर आदमी बिल्कुल ही अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा तो थोड़ा बहुत उनके बारे में भी तो सोचिए जो दिन रात आपके लिए बॉर्डर पर मर रहे हैं। इस राजनीति से हटा के, क्योंकि भ्रष्टाचार, ये गंदी राजनीति, ये तो अपनी आजकल राजनीति सिर्फ जातिवाद की रह गई है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जातिवाद को भुलाकर, भ्रष्टाचार को भुलाकर, ये सब बातें छोड़कर फौजी भाइयों के लिए जो बॉर्डर पर खड़े हैं, जो शहीद हो रहे हैं, उनके लिए जो आरक्षण मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये आरक्षण बिल्कुल बंद हो। आरक्षण मिले किसी अनाथ फैमिली को या शहीद फौजी की फैमिली को, बाकी आरक्षण किसी को, क्योंकि भ्रष्टाचार सरकार ही बढ़ा रही है। बीजेपी की सरकार आई, गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए कर्ज माफ किया किसान का। मेरी नज़र में अगर जिसके नाम पर 5 बीघा जमीन है वो गरीब नहीं है, गरीब वो है जिसके ऊपर अपनी छत नहीं है। आरक्षण कर्ज माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कर्ज माफ होता है 500 लोगों का, भरपाई होती है 2000 लोगों से। सही बात है, इसका कोई नहीं है, सिर्फ आरक्षण शहीद फौजी की फैमिली को या किसी अनाथ फैमिली को। हम ये नहीं कह रहे हम जैसों को दो, हमें भी मत दो, जो अनाथ आश्रम में पढ़ रहे हैं उन लोगों की योग्यता के अनुसार। सही बात है।